कुछ भाजपा ही के नेता लोग हैं उसको नहीं लागू करने देना चाहते हैं, बिहार के ही प्रदेश के कुछ उपाध्यक्ष है, इधर है उधर है, निषाद आरक्षण की लड़ाई चल रही है, आर पार की लड़ाई चल रही है निषाद आरक्षण का। बिना निषाद आरक्षण दिए हुए कोई सत्ता में आ सकता है क्या? बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही विकासशील इंसान पार्टी अब लगातार चर्चा में है और मुकेश सहनी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लगातार पटना में उनके आवास पर तमाम जो उनके चहेते लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। इसी बीच पूरा मजमा लग गया है मुकेश सहनी के आवास पर, सुबह से देर रात तक टिकट को लेकर चर्चा हो रही है और वीआईपी के नेता हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि यूपी में चुनाव है, मुकेश सहनी की क्या रणनीति चल रही है, कैसे टक्कर देंगे वहाँ। देखिए वीआईपी पार्टी वहाँ 165 सीट पर अपना दम से जो है चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जो नई सरकार का जो मैंडेट आएगा उस मैंडेट में हमारे वीआईपी पार्टी का नाव छाप के भी बहुत अहम भूमिका होगी। दूसरी बात है कि जो उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में है वीआईपी पार्टी का एक ही मांग है, निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण की मांग हम लोग पीएम मोदी जी, पीएम चाचा जी से कर रहे हैं और निषाद आरक्षण जो है उसी की लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो निषाद समाज के लोगों का क्या मतलब, उन लोगों का झुकाव आपके तरफ हो रहा है, उन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं या और भी जाति को लेकर चल रहे हैं? निषाद समाज में नाव छाप छोड़ के निषाद समाज जो है क्या कहाँ चला जाएगा भाई? अपना नाव जो है पहचानना है निषादों का। नहीं, और जाति के जो उम्मीदवार हैं और भी जाति के लोग हैं, ऐसा नहीं है हम लोग सब जाति के हैं, लेकिन हमारा अहम जो है मांग है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण केंद्र सरकार लागू करे। पिछले दिनों जब यूपी में मुकेश सहनी गए थे और उस समय मूर्ति गई थी वहाँ पे, तो उसे वापस लौटा दिया गया था, फिर खूब राजनीति हुई थी। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी चल रही है क्या? हमारा किसी को न टक्कर देना है, हमारा एक ही लड़ाई है निषाद आरक्षण। दूसरी है वीरांगना फूलन देवी जी का जो मूर्ति पे जो है जो अपमान जो है किया गया वर्तमान सरकार से, तो सारा निषाद समाज के सारे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं निषाद समाज अब बुड़बक नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। बुड़बक बना के आदमी लोग जो वोट लेते चले गए हैं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि निषादों की एक ही मांग है निषाद आरक्षण। अच्छा, यूपी से जब यहाँ पटना आते हैं टिकट के लिए उम्मीदवार, क्या मुकेश सहनी से बातचीत होती है, क्या कहते हैं कि हमें वीआईपी से टिकट क्यों चाहिए, कुछ तो बताते होंगे? वीआईपी निषाद आरक्षण की लड़ाई चल रही है, आर पार की लड़ाई चल रही है निषाद आरक्षण का। बिना निषाद आरक्षण दिए हुए कोई सत्ता में आ सकता है क्या? निषाद आरक्षण आप समझ रहे हैं, आज कर्पूरी जयंती है, कर्पूरी जयंती पूरे देश में पहला आरक्षण उन्होंने ही लागू किया था। ये आरक्षण की जो लड़ाई है और हम लोग ले के रहेंगे उत्तर प्रदेश में, आरक्षण की लड़ाई छीन कर रहेंगे यानी? एकदम क्यों नहीं ले, एकदम लेंगे, अधिकार है ये, 75 साल से जो है ये हमारा ड्यू है, ले के रहेंगे। जिस तरह से बंगाल में, जिस तरह से दिल्ली में, जिस तरह से उड़ीसा में निषाद भाई बहनों को आरक्षण दिया गया, उसी तरह से यूपी बिहार में भी आरक्षण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी बार बार कहते रहे हैं कि लगातार निषाद समाज के साथ जो है अच्छा नहीं हुआ है, उनके साथ अत्याचार होते रहा है, उनके हक की जो मांग है उन्हें नहीं मिली है, तो क्या अब जो है तो उसके हक, वही हक की तो मांग वही जो है वो निषाद आरक्षण की ना मांग है। वीआईपी पार्टी का जन्म क्यों हुआ 2018 में? वीआईपी पार्टी का जन्म निषाद आरक्षण में ना जन्म हुआ, यानी यूपी चुनाव में वीआईपी पार्टी जो है पूरी तरीके से निषाद आरक्षण एकजुट है, सारा निषाद समाज नाव छाप को देख रहा है। बिहार एनडीए की बातचीत कर ले तो क्या एनडीए के? देखिए बिहार एनडीए अलग चीज़ है, उत्तर प्रदेश में अलग है, यूपी का राजनीति अलग है, बिहार का राजनीति है। फिर से हम आपको कहना चाह रहे हैं कि निषाद आरक्षण की लड़ाई चल रही है, किसी से निषाद आरक्षण की बातचीत एकदम निषाद आरक्षण, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निषाद आरक्षण को जो है रिकमेंड करके भेज दिया है, वहाँ लोग रखा हुआ है, कुछ भाजपा ही के नेता लोग हैं उसको नहीं लागू करने देना चाहते हैं, बिहार के ही प्रदेश के कुछ उपाध्यक्ष है, इधर है उधर है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं निषाद आरक्षण लागू मत कीजिए, नहीं तो मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह और बड़ा नेता बन जाएगा।
तो यूपी चुनाव के साथ जो है मुकेश सहनी निषाद आरक्षण को बढ़ावा देने में लगे हैं और निषाद समाज से जो लोग पहुंच रहे हैं टिकट की दावेदारी को लेकर उनकी बातों को प्रमुखता से सुन रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में निषाद समाज का जो वर्चस्व है वो देखने को मिलेगा। अब निषाद समाज अपने आरक्षण की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। तमाम अपडेट आपके साथ हम बताते रहेंगे, देखते रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।